हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है BPCC 131 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो पहले हम इस बुक का हम देख लेते हैं इसका कंटेंट क्या क्या रहेगा। तो आपके इसमें टोटल 4 ब्लॉक है और यूनिट 8 है। तो ब्लॉक 1 में आपका 1 यूनिट रहेगी, ब्लॉक 2 में आपकी 3 यूनिट है, और ब्लॉक 3 में 2 है, और ब्लॉक 4 में भी 2 यूनिट है। तो मतलब टोटल आपकी 8 यूनिट है जो हमें कवर करनी है। तो 8 यूनिट्स है तो ऑलमोस्ट हमारी 8 वीडियोस हो जाएंगे, जिसमें हर एक वीडियो में हम एक यूनिट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से, ब्लॉक फर्स्ट की यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। तो आज हम पहले साइकोलॉजी का इंट्रो करेंगे कि साइकोलॉजी में क्या क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एज अ साइंस क्या है, ओरिजिन और इसका डेवलपमेंट क्या है, सब फील्ड्स क्या हैं साइकोलॉजी के, रिसर्च क्या क्या हुई है साइकोलॉजी के ऊपर, क्या क्या मेथड्स हैं इसमें जो साइकोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च किए गए हैं, और साइकोलॉजी का इंडिया में क्या रोल है, मतलब इसमें इंडिया में, हमारी इंडिया में क्या क्या हो रहा है साइकोलॉजी से रिलेटेड, मतलब उसको कितने इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो से, जिसमें थोड़ा सा इंट्रो ये है आपका कि जैसे हमारा जो वर्ड है साइकोलॉजी, इसको जो ग्रीक में 2 वर्ड्स में इसको ड्राइव्ड किया जाता था, एक साइको एंड एक लोगोस। साइको मीन्स आपके सोल, मतलब लाइफ, और लोगोस मीन्स नॉलेज, मतलब एक्सप्लेनेशन, स्टडीज से रिलेटेड, मतलब ओवरऑल ये हो गया कि ये सोल आपकी लाइफ के बारे में स्टडी किया जाता है, मतलब हम कैसे अपने लाइफ में हमें कैसे जीना है, कैसे खुश रहते हैं, और जो मोमेंट्स होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, एटीट्यूड्स हो गया, ईगो हो गया, ये सारे कैसे आपके डिवाइड्स होते हैं, उसको कैसे मेज़र किया जाता है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें मतलब हमारे साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये साइकोलॉजी तो पहले इतना नहीं था, लेकिन आपके 16th century के बाद इसको बहुत ज़्यादा माना गया है, क्योंकि उससे पहले आपका जर्मन में इसको सबसे ज़्यादा ये पॉपुलराइज्ड था, एंड उसके बाद 18th century में फिलोसोफर क्रिस्टियन वॉर्फ ने इसको किया था। तो मतलब ये है कि पहले दूसरी जगहों पर इसको बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत दी जाती थी, इसके बारे में बातें होती थी, रिसर्च वगैरह होते थे, बट उसके बाद धीरे धीरे ये हर जगह फैल गया है कि साइकोलॉजी एक लाइफ से रिलेटेड है, तो इसको हर किसी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए। तो ये है, उसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन। तो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ये है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। मतलब ये कि आपका जो साइकोलॉजी है वो एक आपका बिहेवियर है एंड एक मेंटल प्रोसेस है, आपको किस तरीके से थिंकिंग किया जाता है, क्या आप सोचते हो, क्या करते हो, कैसे बिहेव करते हो, वो सारा प्रोसेस इसमें रहता है। तो जो ये डेफिनेशन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम साइकोलॉजी को साइंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि हम इसको बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, एंड हर एक चीज़ इवेंट्स को, हर एक बिहेवियर को, क्या चाहे वो ह्यूमन हो या फिर वो एनिमल हो, उनके इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से मूवमेंट्स कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे अपनी आँखों को, जब बात करते हैं तो अपनी आँखों को कैसे मूवमेंट दे रहे हैं, उनके हाथ कैसे मूव होते हैं, मतलब कुछ जब हम बात करते हैं तो कईयों के हाथ मूवमेंट्स होते हैं, पैरों के कुछ मूवमेंट्स होते हैं, लिप्स के हो गए, आइज के हो गए, फेस के एक्सप्रेशंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं जब हम कुछ कोई भी हम एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना हमें किसी कंडीशन से रिलेटेड, तो उसको कैसे कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें हम
सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं और बहुत ऑब्जर्व और केयरफुली करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। सेकेंड है द टर्म बिहेवियर इन द डेफिनेशन इम्प्लेस द ओवरट एक्शन एंड रिएक्शन। अब ये है ना कि कोई भी अगर, क्योंकि देखो अब कुछ भी इवेंट्स होता है, कुछ भी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस पर सिंपल सी बात है कि हम उस पर एक्शन भी करते हैं और रिएक्शन भी देते हैं। तो ऑब्वियस बात है, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन हो, कोई भी अगर इवेंट होता है या कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस पर हम कोई ना कोई रिएक्ट करते ही हैं। तो वो किस तरीके से इंटरेस्ट लेके आ रहा है, किस तरीके से एक्शन आ रहा है, किस तरीके से इमोशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, उसकी थाट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। फिर आता है मेंटल प्रोसेस। अब मेंटल प्रोसेस का ओवरऑल ये है कि आप किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हो। आप इंटरनल लाइक अंदर अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम है तो आपके अंदर खुद प्रेशर आ रहा है, तो आप उसको किस तरीके से रिकॉग्निशन, मतलब उसको किस तरीके से लेके आ रहे हो, मतलब आपकी फीलिंग्स क्या है, आप उसको लेके क्या सोच रहे हो, फिर क्या एक्शन दे रहे हो, कितना उस चीज़ को समझ रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके मेंटल प्रोसेस में होती हैं। आप उससे रिलेटेड क्या रेशनलाइज कर रहे हो, क्या आपकी रीजनिंग है, क्या आपके टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो, तो ये ओवरऑल इसमें रहता है, ठीक है। तो ये था हमारी डेफिनेशन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, साइकोलॉजी एज अ साइंस। अब एशियन ग्रीक फिलोसफर्स ने ये इंक्वायरी की थी कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग, मतलब कैसे वो वर्ल्ड को जानता है, मतलब कैसे वो देखता है, कैसे करता है, तो वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो जो फिलॉसफी है वो एक ऐसा, ये नहीं है कि वो साइकोलॉजी है, वो फिलॉसफी अलग है और साइकोलॉजी आपका अलग है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि अर्ली साइकोलॉजिस्ट, मतलब जो अभी है, पहले क्या वो था ना, तो उसमें भी ये मानते थे कि जो भी साइकोलॉजी में, मतलब जो भी हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी रिसर्च करते हैं, तो वो एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क के अंदर करते थे, ठीक है। अब बिगनिंग में क्या हुआ कि साइकोलॉजी एक साइंटिस्ट लाइक उसे माना जाता था, फिलॉसफी है, उसको हम फिगर्स की तरह लेते थे, मेंटल फिलॉसफी की तरह लेते थे, साइकोलॉजी रिसर्च के उसमें लेते थे। तो जो रिसर्च था उसको रेस्टोरेट कर दिया गया था, क्योंकि वो एक माइंड, बॉडी और फिजिकल को तीनों का एक रिलेशनशिप होता था, तो उस चीज़ को उसको रेस्टोरेट करके एंड फिलॉसफी, मेंटल फिलॉसफी, फिजियोलॉजी एंड फिजिक्स, ये सारी चीज़ों को स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद ये सारे, ये तो हो गया कि आपका इन सब चीज़ों में था, बट जब जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा था, तो वैसे वैसे सोशल कल्चर, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें भी जो ह्यूमंस में चेंजेस होते हैं, चूँकि हम अब जैसे बाहर भी जाते हैं, हमारा कल्चर भी बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारे ऊपर, क्योंकि कल्चर के हिसाब से भी कई सारे मूवमेंट्स होते हैं, कुछ इमोशंस क्रिएट होते हैं और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स भी हमारे बहुत होती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई और ये थियोरेटिकल लीनिंग साइकोलॉजिस्ट में ऐड हो गया, ओके। अब आता है नोमोटेटिक एंड आइडियोग्राफिक अप्रोच। अब साइकोलॉजिस्ट में नोमोटेटिक अप्रोच का क्या है, वो ये है कि ये एक जनरल लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करता है, जिसमें हमारे मेंटल एंड बिहेवियर प्रोसेस इंक्लूड होते हैं, और इग्नोर करते हैं इंडिविजुअल को, मतलब इंडिविजुअल को इग्नोर करके उनके जो लाइक, ये नहीं है सिर्फ हम एक व्यक्ति कैसे क्या कर रहे हैं वो नहीं, सिर्फ उसके मेंटल प्रोसेस और उनके बिहेवियर प्रोसेस को ही इंक्लूड करते हैं कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। इस अप्रोच में ना हम एक ऐसे कुछ ऐसे मतलब सेलेक्ट लोगों को करते हैं जो हमारे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन में सैम्पल लाइक प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि हमें इन सिर्फ इन लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे और उनको रिप्रेजेंट करेंगे एंड उनको ही इसमें अप्रोच किया जाता था, ठीक है। फिर आइडियोग्राफिक अप्रोच में हमारा सबसे ज़्यादा इंक्वायरी इस चीज़ पे फोकस किया जाता था, पर्सन पे, क्योंकि
एक इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। जैसे मेरी पर्सनालिटी आप लोगों से अलग है, आप लोगों की पर्सनालिटी मुझसे अलग है, तो हम उसको उसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर एक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, उसके एटीट्यूड, उसके बिलीव्स, उसके थॉट्स, उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स, उसके ईगो, हर मूड स्विंग्स, हर एक चीज़ चेंज होती है, सबकी सिमिलर नहीं होती है। तो वही उसी चीज़ को रिलेटेड हमने इसमें फोकस करते थे कि हर एक पर्सन को हम अलग तरीके से देखेंगे, और चूंकि वो हर एक एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। तो आइडियोग्राफिक अप्रोच में इस चीज़ पे फोकस किया जाता था। फिर आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। अब इसका ओरिजिन और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो इन द बिगनिंग में अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी एक पार्ट था फिलोसफी का, जो मूव हुआ था फिलोसफी से हमारा, मतलब फिलोसफी हमारा पहले ना एक फिलोसफी होती थी, फिर उसके बाद उसी का एक अलग पार्ट बना दिया गया था साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अगर हम शॉर्ट हिस्ट्री में बात, इसके मतलब जो हिस्ट्री है ना बहुत शॉर्ट है, बट एक ये बहुत लंबा प्रोसेस रहा है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक इसके ऊपर बात हुई है, बट इसकी जो हिस्ट्री है ना वो बहुत कम है, बट ये बहुत लंबा पास्ट है, क्योंकि ये बहुत पहले से ही शुरू हो गया था, बट इसके इतनी वो कह सकते हैं कि इसके बारे में इतनी बातें नहीं हुई थी, इसको रिलेटेड इतनी इम्पोर्टेंस वगैरह नहीं दी जाती थी, तो वो सारी चीज़ें रहती थी, ठीक है। और इसके कुछ अप्रोचेस भी रहे हैं जिसमें ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न्स में फोकस किया जाता था कि किस तरीके से हम रिसर्च कर सकें, कुछ किस तरीके से हम डिफाइन कर सकें कि ये कैसे है, इसका बिहेवियर कंडक्टिंग वगैरह रिसर्च हम इन सबको डिफाइन कर सकें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला तो स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म को किसने सबसे पहले लेके आया और इसका क्या मेन कॉन्सेप्ट था वो हम देखते हैं। सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरलिज्म, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था कि एक ह्यूमन के माइंड को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से एनालाइज कर सके, इसलिए इसका नाम स्ट्रक्चरलिज्म रखा गया था। एंड इसको किया था विलहेम वंट एंड एडवर्ड टिंगनर ने, वनंट है ना, मतलब विलहेम, उनका मानना ये था कि जो आपके थॉट्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, इमोशंस हैं और अदर जो आपके बेसिक एलिमेंट्स हैं, उन सबका ब्रॉक करके एक रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को रिसर्च किया था एंड इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। फिर आता है फंक्शनलिज्म, इसमें आपका एक स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस रहा था डार्विन का, उन्होंने इस थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन एंड फोकस, इसमें मतलब नेचुरल जो चीज़ें हैं ना उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया था, और इनका सबसे ज़्यादा फोकस रहा था आपका माइंड और बिहेवियर पे, कि आपका जो ये फंक्शन है, मतलब आपका जो माइंड और जो आपका बिहेवियर होता है, क्योंकि जब हम कुछ रिएक्ट, मतलब हमारे माइंड में कोई भी बात चल रही होती है, कुछ भी होता है, तो उसके बाद ही हमारा बिहेवियर होता है, हम उसी से रिलेटेड हम बिहेव करते हैं। तो उसी के ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा स्टडी किया था ड्रेविन ने, ठीक है, और साथ के साथ विलियम जेम्स ने भी, ओके। फिर आता है, थर्ड आता है जेस्टल साइकोलॉजी, ये 1912 में आया था मैट्स वर्थिमर, जो 1880 और 1943 और कुर्ट कुफ्का एंड वॉल्फ गैंग कॉलर, इन तीनों ने ये किया था, और ये तीनों के तीनों हमारे जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने एम्फेसिस किया था कि किस तरीके से हम सीनियरी कर सकते हैं एक्सपीरियंस से, और किस तरीके से कनेक्टिंग कर सकते हैं हम रिलेशनशिप को एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ठीक है। और सबसे चीज़ है ना, जो भी अगर आपका ये वाला क्वेश्चन आता है, तो इसमें हर एक जिसने भी जिस पे भी इन्होंने फोकस किया, जैसे कि इसमें इन्होंने वॉल्फगैंग जेस्टल्ट साइकोलॉजी में जिसने भी इन
ये तीनों जो हैं आपके साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने इस पे फोकस किया था ना, तो इनके नाम याद रखना एंड ये मेंशन ज़रूर कर देना, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म आपका विलियम जेम्स ने बोला था, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके बिहेवियर के ऊपर रखा था कि एक ह्यूमन एंड एनिमल्स के की क्या एक्टिविटीज़ होती है। अगर हम कोई भी मतलब कुछ भी रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से वो हर एक चीज़ को बिहेव करते हैं, लाइक उनकी हर एक एक्टिविटी को बहुत ध्यान से फोकस से उनके ऑब्जर्व किया जाता है, और इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी, क्योंकि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये विलियम जेम्स का था, ठीक है। फिर उसके बाद है साइको एनालिसिस। अब साइको एनालिसिस फाउंड किया था ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था सिमंड फ्रॉड। अब फ्रॉड ने क्या सबसे ज़्यादा इनका क्या था कि इनका सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे था कि अनकॉन्शियस जो आपके थॉट्स होते हैं, मेमोरीज होती है और फीलिंग्स होते हैं, इन पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि अनकॉन्शियस थॉट्स और मेमोरीज रिब्लेंड होते हैं हमारे जब हम कोई भी ड्रीम या फिर ऐसे ही कुछ भी बात करते रहते हैं उसी से रिलेटेड। तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, किस तरीके से हम उसको वो किस तरीके से रिब्लेंड होता है, वो सारा प्रोसेस हम साइको एनालिसिस में एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव आता है। इसका की फीचर ये है कि आप फ्री विल, फ्रीडम हो कि आप किस तरीके से, आपकी क्या डेस्टिनेशन है, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, अचीवमेंट हो गया कि आपकी मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं है कि आप अपनी अचीवमेंट्स को हासिल कर सको या नहीं कर सको, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे फोकस किया जाता था। और इसके जो मेन फाउंडर थे वो अर्बन मैस्लो और कार्ल रोगर्स थे। अगर आपको मेरी ना कुछ प्रोनाउंसिएशन में ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मुझे पता है कि काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मैं आई एम सॉरी, क्योंकि मैं कुछ वर्ड्स अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती हूँ, ये एक मेरी मिस्टेक है। एंड अगर कोई कुछ भी थोड़ा सा डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं वो क्लियर कर दूँगी, ओके। तो अगला फिर हम देखते हैं, सेवन्थ पॉइंट आता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। अब इसमें सबसे ज़्यादा सबसे पहले आपका किसने ये इस पर मतलब ज़्यादा फोकस किया था, किसने इस पर सबसे ज़्यादा स्टडी किया था, वो जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे हर्मन एबिंगहाउस, जो 1850 और 1909 तक थे, और इन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। और उन्होंने स्टार्ट किया था स्टडी किस चीज़ पर, मेमोरी पे, कि आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हो, किस तरीके से चीज़ों को लर्न करते हो, एनालाइज करते हो चीज़ों को, किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, लाइक होता है ना कि हम अगर कुछ स्टडी कर रहे हो, हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उसके बाद आप उसको किस तरीके से लर्न करते हो, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, तो वो आपके इसमें फोकस किया गया था, ठीक है। फिर आता है सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव। अब इसको किसने किया था, जो आपके सोशल साइकोलॉजिस्ट थे लियोन फेस्टिनगर, इन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और हाईलाइट जो इन्होंने किया था कि किस तरीका मतलब जो आपका डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट से, सोशल से, क्लास डिफरेंस एंड आइडेंटिटी, ये जो चीज़ें हैं ना इनका, जब ये अलग अलग है ना हमारे, तो इनका अलग अलग तरीके से मतलब कैसे आप इन्फ्लुएंस होते हो, मतलब किस तरीके से आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो चीज़ इसमें देखी गई है। सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे किया गया है कि अगर जैसे क्लास डिफरेंस है तो उसकी वजह से लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किस तरीके से वो मेंटली फिजिकली लाइक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या रिएक्शन है, वो चीज़ें। एनवायरमेंट में आप अगर बाहर जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो, तो उसके बाद आपका क्या इन्फ्लुएंस होता है वहाँ के देख के, और कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें फोकस की जाती हैं। फिर आता है बायोलॉजिकली पर्सपेक्टिव। इसमें आपका रहा है, किसका रोल रहा है, चार्ल्स डार्विन, ई विल्सन और जे एम हार्लो।
इनका सबसे ज़्यादा रोल रहा है कि किस तरीके से आपका नर्वस सिस्टम काम करता है, हार्मोन्स, ब्रेन केमिकल्स एंड ग्रैंगुलर सिस्टम्स, ये सारे आपके बायोलॉजिकली कॉजेज हैं जो आपके सबसे ज़्यादा रिसर्च किए गए हैं और इसी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है रिसर्च करते टाइम। ठीक है, फिर आता है टेंट, आपका इवेल्यूएशनिंग पर्सपेक्टिव। अब इसमें क्या है ना कि इसमें सबसे ज़्यादा बिलीव ये किया गया था कि आप चीज़ों को कैसे आप कैसे चीज़ों को, मतलब आप कोई भी इवेंट होता है तो उसके बाद आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका एग्रेसिव बिहेवियर कैसा है, आप स्वीट्स कितने हो, मतलब स्वीट होते हो, जब हम खुश होते हैं थोड़ा सा स्वीट हो जाते हैं, किस तरीके से आप हर एक चीज़ को लेके चल रहे हो, और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन में आप जब ट्रांसफ़र होते हो तो उसके बाद आपकी क्या हो जाती है, कैसे आप बिहेव करते हो, ये सारे फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसमें भी आपके जो सोशल कल्चर वाले फैक्टर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल आपका बिहेवियर होता है। ठीक है, ये डेविड एम्बर्स और डे सिंह ने इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था। ओके, तो ये आपके 10 पॉइंट्स थे जो आपके पहले के टाइम पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ों पे फोकस किया था, किसी ने बिहेवियर को, किसी ने फंक्शंस को, किसी ने आपके माइंड प्रोसेस पे, किसी ने आपके ये एग्रेशन बिहेवियर, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। तो ये सारे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं और इनको अच्छे से, इनके जिसने सबसे ज़्यादा, जिसमें जैसे कि किसी में 3 साइकोलॉजिस्ट के नाम है तो उसमें से आप एक नाम याद रख लो, वो भी बहुत है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक आता है सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे सब फील्ड्स होते हैं, मतलब सिर्फ एक नहीं है कि साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके से हम स्पेशलाइज्ड होते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, हमें अलग अलग काम मिलते हैं। कोई मेडिकल, कोई उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा रहा है तो वहाँ पे आपको लाइसेंस मिलता है, तब जाके आप लोगों के प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। एक मेडिकल आपको डिग्री मिल जाती है, लाइसेंस मिल जाता है, तो और कोई सेक्रेटरी होता है, कोई सोशल वर्कर होता है जो बाहर लोगों को सिखाता है कि कैसे लाइफ को जीना है, कोई काउंसलिंग होता है। तो ये इसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे कि आप इसमें से कोई भी अपना करियर भी चूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल आपके 15 फील्ड्स होते हैं इसके अंदर, कॉग्निटिव, क्लिनिकल, काउंसलिंग, एनवायरमेंटल, स्कूल साइकोलॉजी, एजुकेशनल, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल डेवलपमेंटल, कम्युनिटी, स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो ये आपके 15 साइकोलॉजिस्ट के फील्ड्स हैं जिसमें आप अपना करियर चूज़ कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद हमारा आता है रिसर्च इन साइकोलॉजी। अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आपका 4 तरीके से हो सकता है, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। अब साइकोलॉजिस्ट में क्या है ना कि अगर कोई भी, अगर हम साइकोलॉजिस्ट को डिस्क्राइब करें या एक्सप्लेन करें तो वो एक फिनोमिना है, एक थेरेपिस्ट है जिसके अंदर आपके जो बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन होता है उसको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, जो थेरेपिस्ट होता है वो आपको इस चीज़ में आपकी हेल्प करता है कि आपका बिहेवियर चेंज हुआ है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसको कैसे हमें कंट्रोल करना है वो आपको उसमें आपकी हेल्प करता है। इसके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम स्टडी करते टाइम सीखते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम्स के लिए ना एक अलग अलग तरीका होता है कि इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है या अगर आपको ये प्रॉब्लम हुआ है तो इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं एंड उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऐसे ही हमारे बेसिक स्टेप्स हैं रिसर्च इन साइकोलॉजी में, जिसमें हम सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर हाइपोथेसिस करते हैं, फिर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस का टेस्ट करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन निकालते हैं, फिर रिपोर्टिंग द रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक रिसर्च साइकोलॉजी का होता है, जिसमें हम साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर
हमें कोई भी ओवरऑल सबका निकालना है तो हम ये 5 स्टेप यूज़ करके हम किसी को भी रिसर्च कर सकते हैं या उसकी प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी, जिसमें हमने ऊपर देखे थे। तो उसमें सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसमें हमारे तीन डिस्क्रिप्टिव अंग में हमारे ना तीन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है केस स्टडी। अब केस स्टडी के बारे में तो हमें पता है कि हम एक केस स्टडी में क्या है ना कि हम छोटे से छोटे चीज़ों को भी इन्वॉल्व चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना एक या तो एक बंदा इसमें पार्टिसिपेट करता है या फिर एक स्मॉल ग्रुप है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और हम उसमें हमें ये परमिशन मिल जाती है कि हम उस पर्सन के बारे में डिटेल्स निकाल सके, उसके बिहेवियर को जान सके, उसके इमोशंस को देख सके कि वो एक्चुअल में कैसा है। जैसे कि हम केस स्टडी में जगह जगह जाके हम लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते, जैसे अभी हमें मौका मिल जाए कि हमें एक गाँव में जाना है, वहाँ पे हर एक घर में जाके लोगों से बातें करनी है, उनके बारे में थोड़ा सा जानना है और थोड़ा सा एनालाइज करना है कि वो कैसे रहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको थोड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम उनकी हेल्प करें, थोड़ा सा उन्हें बताएं कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक जर्नल हम उनसे लाइक ऐसे ही इजीली लाइक हम उसे कनेक्ट कर सके। बट इसका एक एडवांटेजेस भी है कि केस स्टडी में कई बार रिजल्ट इजीली जर्नलाइज्ड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सर्वे। सर्वे में हम जैसे हम या तो हम फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं, टेलीफोन इंटरव्यू कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो गए, क्वेश्चनरी भी इसमें होते हैं। बट इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी है कि कई बार जो पार्टिसिपेट होते हैं वो हमें करेक्ट आंसर नहीं देते हैं, उसकी वजह से हमें एक ओपिनियन नहीं मिल पाता कि यह सही है या गलत है, क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड होता है ना कि वो हमें हमारे लिए तो वो आई गेस वो सही बोल रहे हैं, बट कई बार वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसके बाद आता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में हमें ना एक ओवरऑल पूरा सारा जितना भी डाटा होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, हम वो सारी कलेक्ट कर लेते हैं, एंड फिर एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम इवेंट्स और बिहेवियर को उनके अकॉर्डिंग अरेंज करके हम उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं कि एक हम इस पे जितने भी हमें इंफॉर्मेशन मिले, फिर उसको सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझना, देखना, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर सेकंड मेथड आता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या है ना कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको बहुत अच्छे से क्लियरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और फिर उसके बाद एक रिव्यू होता है, फिर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में हम चेक करते हैं कि हमने सारे जितने भी ऑब्जर्व किया है वो सारे इवेंट्स को वो सही है या नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक की जाती है। ठीक है, फिर आता है कोरिलेशन मेथड, ये आपका थर्ड मेथड है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी दो सेट्स हैं, मतलब हम दो सेट्स बना लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, उसमें से हम दोनों के सेट्स को ना ऑब्जर्व करते हैं कि क्या है, कौन सा इसमें से नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है, जिससे हमें ये पता चले कि कौन सा मतलब, क्योंकि हम किसी एक पर्सपेक्टिव से हम किसी को जज नहीं करते हैं, राइट, इसलिए हमें दोनों पर्सपेक्टिव के बारे में देखना होता है, सुनना होता है कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, तो उन दोनों को चीज़ों को हम रिलेशन में लाइक कोरिलेशन में लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं या इंक्वायरी करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको फाइनल डिसीजन लेके आते हैं। ठीक है, कि कौन सा हमारा नेगेटिव में और कौन सा पॉजिटिव में, तो वो चीज़ें हम करके एंड फाइनली फिर हम लेके आते हैं। ठीक है, फिर आता है लास्ट हमारा टॉपिक साइकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या साइकोलॉजी का रोल है, तो साइकोलॉजी का इंडिया के अंदर सबसे वेस्टर्न्स के थ्रू हमारा इसमें इन्फ्लुएंस हुआ है, क्योंकि स्टडी पहले इंडिया में इतनी अच्छे से नहीं थी, बट उसके बाद इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे यूनिवर्सिटियों में इस बारे में पढ़ाना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे बाकी स्टेट्स में भी, और फिर हर एक स्टेट्स में ऐसे ऐसे करते इंक्लूड होता गया, और जैसे कि इसमें 1924 में भी मयूर यूनिवर्सिटी में हुआ, फिर 1932 में अलीगढ़ में, 1943 में मद्रास में, 1950
सेवन में मास्टर्स लेवल इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी इंक्लूड हो गए। और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस होने लग गया है ह्यूमन बिहेवियर के स्टडीज़ के ऊपर। तो इसलिए आज के टाइम पे बहुत सारी टेक्निक्स मेथड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम साइकोलॉजी को जितना हो सके उतना उसको और ज़्यादा आगे लेके जाए और इससे रिलेटेड बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में भी लेक्चर्स प्रोवाइड हो गए हैं जिससे कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिले और उनको हेल्प मिले। तो ओवरऑल ये था आज का हमारा चैप्टर एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट क्लियर नहीं होता है या हो रहा है आपको डाउट तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता देना। एंड आपको जो ये नोट्स है ना ये हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सारे हर एक चीज़ का लिंक मिल जाएगा। एंड अगर कोई भी कुछ भी क्वेरी या फिर किसी और सब्जेक्ट में हमारी हेल्प चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप हमारी क्वेरी ग्रुप में भी जाके मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।